कहते हैं ओके मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ओके फाइन आप इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट है, आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपने संसार में नाम कमाना शुरू कर दिया। उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल लेवल पे हम अपने टाइम को खो देंगे। टाइम को खो देंगे ना, क्योंकि हमें लग रहा है मेरे पास इंटेलिजेंस है, अब मैं उस इंटेलिजेंस के थ्रू मल्टीप्लाई करूंगा। टाइम तो जाएगा ही ना, आप कितने ही इंटेलिजेंट हो टाइम जाएगा, तो जब टाइम जाएगा तो जीवन जाएगा। ये जीवन साधारण जीवन नहीं है, ये जीवन मनुष्य जीवन है। साधारण जीवन तो इन बेचारे कीट पतंगों का है जो यहाँ पे आपको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये उनका जीवन है साधारण जीवन, आपका जीवन साधारण जीवन नहीं। इसलिए गीता में कह तो रहे हैं कृष्ण मनुष्य नाम सहस्रेश, भाग्यशाली हो आप, अपने आप को साधारण मत समझिए। तो अगर आपको इस चीज की थोड़ी सी भी अनुभूति है कि आप साधारण जीव नहीं हो, आप भाग्यशाली जीव हो, तो आप अपने भाग्य के बारे में जानने की कोशिश करो। दैट्स ऑल, आपके जीवन का प्रयास, आपके जीवन का फोकस होगा कि मुझे अपने भाग्य को जानना है कि मैं कैसे भाग्यशाली हूं। मरता तो वो कीट पतंगा भी है, तो मैं भी मरूंगा, खाता वो भी है मैं भी खा रहा हूं, सोता वो भी है मैं भी सो रहा हूं, भोग वो भी करता है, सेक्स वो भी करता है मैं भी कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं एक्स्ट्रा? ये क्वेश्चन जिसके माइंड में आ गया और जिसने उस क्वेश्चन को ढूंढने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसका जीवन सक्सेसफुल हो गया। वो अपने जीवन को तो भाग्यशाली बनाएगा ही बनाएगा, अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों को भी वो अवसर प्रदान करेगा कि उनका जीवन भी भाग्यशाली बने। यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं कि हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब केवल ये है कि हमें दूसरे लोगों को अवसर प्रदान करना है। अब वो दूसरे लोग उस अवसर को लेते हैं या नहीं लेते वो उनकी हेडेक है, हमें तो अवसर प्रदान करना। तभी तो हम दूसरों को बता रहे हैं कि भाई आपका जीवन भाग्यशाली है, आप जान लो कि आपका जीवन भाग्यशाली है, और जितना जल्दी जान लोगे उतना आपके लिए लाभकारी है हर एंगल से, उतना आप अच्छे से जीवन को जीने का प्रयास करें। जो लोग अपने जीवन से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना, डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा अपने आप को ही कोसते रहते हैं, उनको पता नहीं जीवन की मतलब, क्योंकि वो भगवान से दूर है। एक्चुअली जो व्यक्ति भगवान से दूर होगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और वो हमेशा कोसता रहेगा अपने आप को, बट जो भगवान के पास होगा ना तो खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा ना वो दूसरों को फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया ना मेरे जीवन की मूल्यता है, मुझे अपने जीवन की मूल्यता को समझना है, उसके ऊपर काम करना है। उसके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है जीवन में करने को। भगवान को पाना कोई छोटा मोटा एजेंडा है क्या? सबसे बड़ा एजेंडा इस संसार का अगर कोई है तो वो है भगवान को पाना। कुछ भी कर सकते हो जीवन में आप, इट्स ओके। आपने जीवन में भगवान को पाने के लिए क्या किया, ये है जीवन का वास्तविक। बाकी कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, इट्स ओके। भगवान को पाया देन यस, तब बात हो सकती। ये जीवन में ये एक विचार आ गया कि मेरे को भगवान को पाना है, देन यस, अब आप एक बेटर स्थिति में। नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह आएंगे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।